नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम की इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 6 इस सब्जेक्ट की डिस्कस करेंगे, जो कि डिजिटल एंड डेटा कम्युनिकेशन पे बेस्ड है, और ये सेकेंड लेक्चर है इस यूनिट का। तो आइए देखते हैं कि आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें डेटा ट्रांसमिशन बेसिक्स में रिव्यू ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग मॉड्यूलेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर बहुत सारे डेटा ट्रांसमिशन के फॉर्मेट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर डेटा रेट्स क्या है, बॉड रेट क्या होता है, चैनल कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है, कौन कौन से मीडियम होते हैं कम्युनिकेशन के उनके बारे में देखेंगे, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, इन सारी चीजों को एक एक करके हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन। तो जैसा लास्ट टर्न पे हमने डिफिनेशन बताई थी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन इनकोडेड डिजिटली विथ सम स्टैंडर्ड फ्रॉम वन नेटवर्क टू अदर नेटवर्क वाया सर्टेन मीडियम इज नोन एज डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जो भी हमारा यूजफुल इंफॉर्मेशन है, जब उसको हम डिजिटली, ठीक है, किसी फॉर्मेट में फ्रेम कर लेते हैं, इनकोड कर लेते हैं, ठीक है, और उसका एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जब ट्रांसमिशन करते हैं तो उसी को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ समझने वाली बात है कि जो आपका इंफॉर्मेशन हो उसको हम लोग डिजिटली एनालाइज करके उसको एफिशिएंट बना लेते हैं, उसको पैकेट्स उसका फ्रेम कर लेते हैं, और फिर जब उसको हम भेजते हैं उसी को हम लोग बेसिकली डेटा कहते हैं, और जब उसका एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसमिशन होता है तो उसी को हम लोग डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। और एलिमेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन जो हम लोगों ने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था, उसमें आपका इंफॉर्मेशन बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कुछ हमें मैसेज होना चाहिए जो हमें ट्रांसमीटर से रिसीवर पर भेजना होता है, फिर उसको भेजने के लिए बहुत सारे हमारे पास जो है वो प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, जो कि सेंडर और रिसीवर दोनों इन पे जो है वो वर्क करते हैं, फिर डिजिटल इनकोडेड डेटा होता है, ठीक है, फिर ट्रांसफर ऑफ डेटा सेंडर एंड रिसीवर की आवश्यकता होती है, स्पेसिफिक मीडियम होना चाहिए, वायरलेस है कि वायर्ड है, कौन सा मीडियम है, ठीक है, तो इन सब चीजों को समाहित करके हम लोग बेसिकली अपने डेटा का एक नोड से दूसरे नोड पर, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जब ट्रांसमिशन करते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन। अब नेटवर्क की मैं बात करूं, ठीक है, तो जैसा लास्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस किए थे कि बेसिकली होता क्या है कि कई सिस्टम को समाहित करके जब एक ऐसा आप सिस्टम डेवलप करते हैं, ऐसा सेटअप बनाते हैं जिसके में आपस में क्या है, आपस में डिवाइसेस के बीच में इंटरेक्शन है, ठीक है, तो बेसिकली यही क्या फ्रेम होता है, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे डिवाइसेस को से इंटरेक्ट करने के लिए कनेक्ट रहते हैं, उसी को हम बेसिकली नेटवर्क कहते हैं। अगर मैं टेक्निकल शब्दों में बात करूं तो कंप्यूटर नेटवर्क ऑफन सिंपली रिफर टू एज अ नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट्स व्हिच आर इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स that allow sharing of the resources and information with respect to certain set of rules protocols via operating system and softwares, ठीक है, तो basically क्या है कि हमारा जो hardware है, ठीक है, वो basically क्या है, आपस में connected है with the help of the links, और उस hardware को govern करने के लिए हमारे पास बहुत सारे क्या है, software हैं, ठीक है, तो इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स हैं, इन सभी को मिला के बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, एक कंप्यूटर नेटवर्क फ्रेम हुआ। अब इस कंप्यूटर नेटवर्क में आपस में हम क्या कर सकते हैं, डेटा की शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है, एक जो हमारा हार्डवेयर है उसके किसी पार्ट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा हो कि एक बड़ा मास्टर सीपीयू लगा हुआ है, उसको हम लोग सब लोग शेयर करते हैं, ठीक है, एक प्रिंटर लगा हुआ है किसी लैब में, उससे बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं, किससे, नेटवर्क के थ्रू, जिसको हम लोग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो डेटा की शेयरिंग जिस माध्यम से हम बेसिकली कर रहे हैं, या रिसोर्सेज की शेयरिंग जिस माध्यम से कर रहे हैं एक दूसरे में, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, नेटवर्क, ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे देखें तो बेसिकली चाहे वो
कंप्यूटर डेटा कम्युनिकेशन हो या नेटवर्क हो, तो बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट है इन सबको स्टडी करने का वो क्या है, पर्पस जो है वो हमारा है कि डेटा का ट्रांसमिशन हो कहाँ, एक नोड से दूसरे नोड पर। अब इस डेटा का ट्रांसमिशन जब हम एक नोड से दूसरे नोड पे करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। कौन कौन सकते हैं? द डेटा ट्रांसमिशन इज द फिजिकल ट्रांसफर ऑफ द डेटा ओवर अ पॉइंट टू पॉइंट आर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। ठीक है, जैसे क्या है कि हमारा किसी दूसरे नोड के साथ सिंगल, मतलब सिंगल रूट में कम्युनिकेशन हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। जैसे मैं बोलूं और सिर्फ एक स्टूडेंट हो पाए, जैसे मैं किसी से मोबाइल से बात कर रहा हूं तो क्या है, सिर्फ सेंटर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन लिंक क्रिएट हुआ, तो ऐसा क्या है, ये लिंक बोलेंगे पॉइंट टू पॉइंट। और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट क्या है, जैसे मैं लेक्चर ले रहा हूं और आपके सारे क्लास के जितने भी स्टूडेंट है सब लोग इसको सुन पा रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ द ट्रांसमिशन इज नोन एज द मल्टी पॉइंट ट्रांसमिशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक सेंडर है बाकी सब रिसीवर हैं, और इसमें क्या है कि माध्यम में आप भी इंटरेक्ट कर सकते हैं और मैं भी इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कोई क्वेश्चन पूछना हुआ तो आप भी उस सिस्टम को यूज कर सकते हैं और मैं भी जो है अपना लेक्चर ले रहा हूँ। तो बेसिकली मल्टी पॉइंट में ऑप्शन होता है कि यहाँ डुप्लेक्सिंग भी हो सकती है। ठीक है, अभी क्या होता है डुप्लेक्सिंग हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो डेटा ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो दो तरीके से, पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। ठीक है, अब डेटा कम्युनिकेशन टेक्निक्स की बात करें तो टेक्निक्स में बेसिकली क्या है, जब डेटा हमारा किसी लेयर पे किसी नेटवर्क पे ट्रांसमिट हो रहा होगा तो हमारे पास दो संभावनाएं हैं, चाहे ये सीरियल मोड में ट्रांसमिट हो रहा हो, मतलब एक एक बिट होके ट्रांसमिट हो रहा हो, या पैरेलल मोड में ट्रांसमिट हो रहा हो, कई सारे, मतलब 8 बिट हो गया, 16 बिट हो गया, 32 बिट हो गया, मतलब एक साथ जो है वो क्या हो, कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी में ट्रांसमिट कर जाए। अब अगर हम इसको जो है वो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है अगर ये समझने का प्रयास करें, तो जब हमारे पास टाइम जो फ्रेम है, अगर बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम में डेटा का कम्युनिकेशन क्या फास्ट होना है, जैसे आपके स्कूल में जो है वो कॉलेज में जब कोई फंक्शन हो गया, जैसे इंडिपेंडेंस डे हुआ, ठीक है, आफ्टर द फंक्शन क्या हुआ, मिष्ठान वितरण हुआ, फिर क्या होता है वहां पे लाइन लगती है, लाइन लगती है तो आपने देखा हो एक एक करके आप लोग जाते हैं और अपना जो है पैकेट कलेक्ट करते हैं और उल्टा वापस आते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि सीरियल कम्युनिकेशन हो रहा है, एक एक वन बाई वन स्टूडेंट आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो लाइन में पीछे लगे हैं इनको क्या है, वेट करना है। ठीक है, अब यहीं पे हो कि भाई हमको 10 मिनट के अंदर सारे पैकेट बांट देने हैं और 100 का स्ट्रेंथ है, तो हम क्या करें, 10-10 बच्चों का जो है वो एक लाइन जो हमारी थी उसको हम 10 लाइन में कन्वर्ट कर लें, तो क्या हो गया, 10 काउंटर हमने बना दिए और बच्चे एक साथ में 10 बच्चे अब पैकेट रिसीव कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, 100 बच्चों को हमको देना है तो एक टेबल पर सिर्फ 10 बच्चों को आना होगा और इस तरह से हमारे 10 काउंटर लगे हैं तो हमारा 100 पैकेट डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन लेसर टाइम फ्रेम रेफरेंस। ठीक है, तो जब हमें टाइम फ्रेम जो हमारा है शॉर्ट रखना होता है तो हम वहां किसको प्रेफर करते हैं, पैरेलल ट्रांसमिशन को। लेकिन अगर हमें हमारे पास जो है इतनी जगह नहीं है, स्पेस नहीं है कि हम एक साथ सारे डेटा ट्रांसमिशन करा पाए, इतनी बड़ी बैंडविड्थ नहीं है, ठीक है, इतनी जगह नहीं है हमारे कॉरिडोर में कि हम 10 लाइन एक साथ लगा पाए, तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल लाइन लंबी सी लगवा देंगे और एक एक करके विद्यार्थी बढ़ते रहेंगे और अपना पैकेट्स कलेक्ट करेंगे। तो ये क्या है, सीरियल ट्रांसमिशन। इसमें क्या है कि टाइम तो लगता है बट जो हमारी बैंडविड्थ है बेसिकली वो बहुत हायर बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट नहीं इसमें। ठीक है, तो सीरियल ट्रांसमिशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा 1 बिट एट अ टाइम, ठीक है, इन सीक्वेंशियली, ठीक है, ओवर द कम्युनिकेशन चैनल। A data channel that transfer digital data in a serial mode, one bit after the other over one wire with start and stop bit. ठीक है? तो किसी कोई पर्टिकुलर हमारा चैनल है, जैसे वायर हो गया, इसमें हम क्या है, एक एक बिट करके भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इफिशियंट नहीं कह सकते, हाँ इफिशियंट किस टर्म में, बैंडविड्थ के रेफरेंस में इफिशियंट है, बट अगर हम टाइम फ्रेम में बात करते हैं तो इसमें टाइम क्या होगा, वो ज्यादा लगने वाला है। ठीक है, तो एग्जांपल से भी हमने समझा सीरियल और पैरेलल में क्या है, जैसा आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं,
कि एक बार में मान लीजिए हमको कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी में डेटा का ट्रांसमिशन करना है, ठीक है, बहुत सारे बहुत डेटा है, ठीक है, मान लीजिए नंबरिंग दे दी 1 2 3, तो इस तरीके से क्या है कि 1 by 1 क्या है क्या? चैनल लेकिन हमारे पास एक ही है, लेकिन अब टाइम तो रिक्वायरमेंट बढ़ गई, लेकिन चैनल चूंकि एक है तो पहला हमारा 1 ट्रांसमिट होगा, फिर 2 ट्रांसमिट होगा, फिर 3 ट्रांसमिट होगा, ऐसे ऐसे क्या है क्या? एक एक करके ट्रांसमिट करेंगे, तो दिस इज अ सीरियल मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। और अगर यहीं पे क्या है कि हम एक साथ में कई सारा डेटा अगर हमें ट्रांसमिट करना है, ठीक है, तो हम कौन सा पाथ फॉलो करेंगे? पैरेलल ट्रांसमिशन का। तो पैरेलल ट्रांसमिशन में देखिए कि आपके पास जो है वो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर 1 2 3 ऐसे सो मेनी डेटा, मान लीजिए n डेटा है आपके पास, तो क्या होगा, ये सारे डेटा एक साथ ही एक क्लॉक पल चली और पूरा 1 से लेकर n तक का जो भी ये डेटा था कंप्यूटर ए से क्या हुआ, कंप्यूटर बी को पहुंच गया। तो बेसिकली इस रेफरेंस में हम बात करें टाइम फ्रेम रेफरेंस में, तो टाइम क्या होगा, सिर्फ एक क्लॉक पल चली और सारे डेटा पहुंच गए। अगर इसी को अभी हमें पैरेलल सीरीज में भेजना होता तो क्या होता, n क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ती, ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे पास चूंकि n लिंक थे, ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, एक साथ ही सभी डेटा को जो है वो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर बी में हमने भेज दिया। तो आपने देखा टाइम फ्रेम में हमारा पैरेलल ट्रांसमिशन जो मोड है वो इफिशियंट है, बट अगर हम बैंडविड्थ के रेफरेंस में बात करें तो हमारा कंप्यूटर ए से कंप्यूटर के बीच में, बी के बीच में जो कनेक्शन है वो हायर बैंडविड्थ का होगा, क्यों, एक साथ जो है एन नंबर ऑफ डेटा अगर चाहिए तो एन नंबर की बस चाहिए होगी, एन चैनल चाहिए होंगे, ठीक है, तो इस तरह से बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर इसी में अगर हम ट्रांसमिशन का जो है वो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के क्या क्या हो सकते हैं एक कंपैरेटिव स्टडी करें, तो सीरियल और पैरेलल में आप देख रहे हैं कि ट्रांसमिशन डिस्क्रिप्शन की बात करें तो सीरियल में 1 बिट कम्स आफ्टर अनदर 1 by 1, एंड पैरेलल में क्या है, ऑल बिट्स अ सिंगल कैरेक्टर एंड ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली, ठीक है, सारी बिट साइमल्टेनियसली सिर्फ एक टाइम फ्रेम में जो है वो क्या होगा कि ये ट्रांसफर हो गई। अब कंपैरेटिव स्पीड की बात करें तो जो आपका सीरियल है वो मैंने बताया आपका स्लोअर होगा और पैरेलल ट्रांसमिशन मोड क्या है, फास्टर होगा, ठीक है। डिस्टेंस लिमिटेशन की मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस लिमिटेशन में ये फर्दर है और वो शॉर्टर है, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें तो बिटवीन टू कंप्यूटर, फ्रॉम कंप्यूटर टू एक्सटर्नल डिवाइसेस एंड लोकल एंड वाइड नेटवर्क में आप बेसिकली सीरियल मोड ऑफ ट्रांसमिशन को प्रेफर करते हैं, क्यों, जैसे आप अपना पेन ड्राइव जब आप कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर से तो वहां क्या है कि अगर बसेस के अंदर पैरेलल में डेटा अगर स्टोर्ड है तो 1 by 1 मतलब सीरियल में क्या होगा आपके हार्ड डिस्क से जो है वो पेन ड्राइव में डेटा ट्रांसफर होगा, इसलिए आपको टाइम क्या लगता है, ज्यादा लगता है। लेकिन जब विद इन अ कंप्यूटर आप ट्रांसमिशन कर रहे हो वहां अगर जो है आपका वो नंबर ऑफ लिंक्स जो है वो ज्यादा होंगे तो डेटा आपका ट्रांसमिशन जो है वो सीरियल लोगों के पैरेलल होगा और टाइम फ्रेम क्या होगा, कम लगेगा। इसलिए आपने देखा हो कि आप अपने हार्ड डिस्क में मतलब कंप्यूटर की एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में डेटा का ट्रांसमिशन फास्ट होता है एज कंपेयर टू जब आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से डेटा को पेन ड्राइव में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो विद इन अ कंप्यूटर द लॉक अलोंग कंप्यूटर बसेस बिटवीन द ड्राइव कंट्रोलर टू हार्ड ड्राइव, ठीक है, वही जो हम लोगों ने डिस्कशन किया कि विद इन कंप्यूटर ट्रांसमिशन फास्ट है, ठीक है। केबल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ऑल बिट्स ट्रेवल डाउन इन सिंगल वायर 1 bit at 1 time एंड पैरेलल मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ईच बिट ट्रेवल डाउन इट्स ओन वायर साइमल्टेनियसली विद द अदर बिट्स, ठीक है। तो अगर सीरियल में मैं बात करूं तो एक वायर ही होगा और एक एक बिट्स करके ट्रांसमिट हो रहा होगा कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर बी में, बट इन केस ऑफ द पैरेलल जो हमारी बिट्स हैं जितनी बिट्स हैं सभी अपने इंडिविजुअल वायर जो नेटवर्क होगा उसमें ट्रांसमिट होंगी और एक ही क्लॉक पल्स पे सारी बिट हमारा क्या है ट्रांसमीटर से रिसीवर पे पहुंच जाएंगी। तो आपने देखा कि फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है, पैरेलल, ठीक है। लेकिन हम बात करें कि जो बैंडविड्थ की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम जो है
वो क्या यूज करते हैं, सीरियल, जहां पर बैंडविथ कम से कम में डेटा को ट्रांसमिट करना है, ठीक है, और नंबर ऑफ लिंक्स कम से कम है, तो हमें बेसिकली सीरियल मोड में डेटा का ट्रांसमिशन प्रेफर करना होता है, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन चैनल्स की हम बात करते हैं, ठीक है, मतलब डेटा को एक जगह से दूसरे जगह जब हम भेजते हैं तो बेसिकली जो माध्यम यूज हो रहा है, जो चैनल यूज हो रहा है, उसकी करेक्टरिस्टिक की बात करें तो देयर आर थ्री डेटा कम्युनिकेशन चैनल्स, लाइक पहला तो सिंप्लेक्स मोड है, फिर हाफ ड्यूप्लेक्स है और फिर फुल ड्यूप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स मोड बेसिकली क्या होता है, इट रिफर्स टू द कम्युनिकेशन दैट अकर्स इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है, एग्जाम्पल रेडियो ब्रॉडकास्ट, कीबोर्ड माउस इनपुट टू सीपीयू, इंटरनेट मल्टीकास्ट एंड वन लेन एंड लेन एंड वन साइड रोड ओनली, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, आप लोगों ने जैसे आप रेडियो ट्यून करते हैं तो होता क्या है कि एक तरफ से जो है वो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है और आप अपने रिसीवर पर उसको रिसीव कर रहे होते हैं, वहां पर कोई रिवर्स ट्रांसमिशन नहीं हो सकता, मतलब हम कोई डिमांड करें, ठीक है, तो उस सिस्टम के माध्यम से तो नहीं, जो चीज ब्रॉडकास्ट हो रही होगी उसी को हम सुन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो है वो सिस्टम क्या है, वो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल है, ठीक है, मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर के यहाँ जो दायित्व है वो फिक्स है कि ट्रांसमीटर हमेशा ट्रांसमिट करेगा और रिसीवर हमेशा रिसीव करेगा, ऐसे मोड को हम सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन बोलते हैं। अब हाफ ड्यूप्लेक्स मोड की बात करें तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो रिसीव कर रहा करने वाला है कभी वो एज अ रिसीवर काम करेगा और कभी कभी वो एज अ ट्रांसमीटर भी काम कर सकता है, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पर वॉकी टॉकी वगैरह देखा हो, ठीक है। होता क्या है कि एक समय में एक व्यक्ति बोलता है, फिर वो अपनी बात पूरी करता है, फिर उसके बाद लास्ट में ओवर बोलता है, ठीक है, ओवर मीन्स हमारी बात खत्म हुई, अब आप जो है बोलिए, तो उसमें दो स्विचेस लगे रहते हैं कि एक समय में एक व्यक्ति बोलेगा उसको दबा के, दूसरा क्या होगा, रिसीवर का स्विच दबाएगा और उसको सुनेगा, फिर क्या है दूसरा व्यक्ति बोलेगा तो पहला वाले को जो है रिसीवर का स्विच जो है वो दबा के बात को सुनना होगा। तो इसमें क्या है, एक समय में दोनों अपनी बात नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, जब एक व्यक्ति अपनी बात ट्रांसमिट कर रहा होगा तो दूसरे का रोल एज अ रिसीवर का हो जाएगा, और जब दूसरा चीजों को ट्रांसमिट कर रहा होगा तो पहले वाले का रोल क्या होगा, एज अ रिसीवर का रहेगा, ठीक है। तो दिस इज अ हाफ ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन, ठीक है। फिर अगर हम फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन की बात करें तो बेसिकली इसमें हम दोनों जो है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर का रोल कर सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स कॉल्ड डुप्लेक्स, डबल डुप्लेक्स सिस्टम अलाउज कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, एक समय में, जैसे अभी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और आपको कुछ पूछना होता है तो ठीक है आप पूछ भी सकते हैं सिर्फ अपने को अनम्यूट करके, तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं, फुल ड्यूप्लेक्स, की मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के पास जो है ये राइट्स हैं कि जब भी चाहें वो अपना मैसेज जो है वो चैनल पे ट्रांसमिट कर सकें, और साइमल्टेनियसली जो है जैसे हमारा मोबाइल हो गया, एक समय में हम बात सुन भी सकते हैं और बात बोल भी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी फैसिलिटी जहां होती है उसको हम लोग फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं। फिर बात हम लोग करते हैं असिंक्रोनस और सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सिस्टम की, तो जैसा नाम से ही दिख रहा है असिंक्रोनस कम्युनिकेशन मतलब टाइम फ्रेम के रेफरेंस में हम बात कर रहे होंगे कि जब सारे ट्रांसमिशन और रिसेप्शन क्या हो, सिंक्रोनाइज्ड हो, मतलब जब ट्रांसमीटर से डेटा भेजा जाए उसी समय पर रिसीवर क्या हो, वो एक्टिव रहे डेटा को रिसीव करने के लिए, और हमारा ट्रांसमीटर एंड पे जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं, जितने भी सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं उस ट्रांसमिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो सभी उस टाइम फ्रेम पे क्या होने चाहिए, एक्टिवेट होने चाहिए, ठीक है। तो द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा इन विच ईच कैरेक्टर इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट, ठीक है, ईच कैरेक्टर इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट, ठीक है। तो जहां पर क्या होगा कि हर एक एलिमेंट्स क्या है, अगर वो अपना यूनिक कैरेक्टर रखेगा, ठीक है, तो होगा क्या कि हर एक एलिमेंट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं होगा, ठीक है, उसका हर का अपना जो है इनेबल होने का समय अगर अलग अलग है तो इसको हम बोलेंगे असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सिंक्रोनस में क्या होता था,
सभी ट्रांसमीटर पे जितने एलिमेंट हैं सब एक साथ एक्टिवेटेड होंगे और जब डेटा ट्रांसमिट होगा तो रिसीवर पे उसी समय रिसीव किया जाएगा। बट असिंक्रोनस मोड ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें क्या है कि जितने एलिमेंट हैं सब सिंक्रोनाइज नहीं होंगे, ठीक है, सबका अपना इनेबल डिसेबल होने का अलग अलग टाइम रेफरेंस ऑफ फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा इन विच ईच कैरेक्टर इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट विद इट्स ओन स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, ठीक है, इंटरवल्स बिटवीन कैरेक्टर्स में भी इनरेगुलर, ठीक है। तो जैसे हमने ट्रांसमिशन स्टार्ट किया, अब क्या है कि ट्रांसमिशन जब हमने स्टार्ट किया तो हमने क्या किया, एक बिट भेजा, फिर दूसरी बिट जब हम भेज रहे हैं तो जो हमारा टाइम बिट जो फ्रेम है ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि दो बिट के बाद अगला मैसेज का बिट चला गया, फिर तीन बिट के बाद, मतलब फिक्स नहीं है, कभी दो बिट के बाद भी मैसेज का बिट्स हमारा जा सकता है, कभी तीसरे बिट्स में जा सकता है, कभी छठवें बिट में। तो मतलब जब भी हमारा, क्योंकि हमने बताया क्या कि ट्रांसमीटर इन पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सब क्या हैं, अपने ओन गवर्न्ड हैं, ठीक है, कि जब उनका उनको जो है इनेबल अलग से किया गया, ठीक है, तो क्या हुआ, उन्होंने अपना बिट्स को जो उनके पास है उसको ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। तो सारी चीजें क्या है, सिंक्रोनाइज नहीं है, ठीक है। तो सिंक्रोनाइज अगर रहती हैं तो क्या है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि लाइन लगा के आप लोग जो है वो स्वीट पैकेट्स कलेक्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे पे, तो क्या है लाइन क्या है आपस में एक एक करके आगे बढ़ रही, सिंक्रोनाइज है कि एक आया फिर दूसरा आया फिर तीसरा आया, ऐसा ना हो, ठीक है, आप जो है वो खड़े रहें और जैसे ही आपको बोला जाए जाइए आप ले लीजिए आप लीजिए, तो मतलब एक सिंक्रोनाइजेशन फ्रेम नहीं किया गया, ठीक है। अब हो सकता है कि असिंक्रोनस मोड में जल्दी से पैकेट्स हमारे बढ़ जाएं, अब लाइन में क्या था कि एक एक करके आपको जाना है और एक एक करके वहां कलेक्ट करना है, मतलब वो सिस्टमैटिक वे था, लेकिन ये हो कि पता चले सब लोग इकट्ठे वहीं जो है वो जुड़ गए और सबको एक साथ पैकेट मिल गया, ठीक है, या हो सकता है कुछ को ना भी मिल पाया हो। तो असिंक्रोनस जो कम्युनिकेशन मोड है वो फास्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या है सिक्योर नहीं है कि सभी मतलब एक पैटर्न कोई फ्रेम नहीं होगा इसमें, ठीक है, अनसर्टेन पैटर्न रहेगा। अब वो बेसिकली यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कुछ उसमें जो है ये सिस्टम बना दें, लेकिन सिस्टम की अपनी जो एलिजिबिलिटी है, सिस्टम की जो अपनी परफॉर्मेंस है, वो बेसिकली क्या है टाइम मैनेज नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है। यहीं पे हम कंपैरिजन की बात करें, कंपैरिजन बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस, तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक में ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो बेसिकली यूज्ड सीरियल एकोमोडेशन, और सिंक्रोनस क्या है बेसिकली पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, और असिंक्रोनस यूज फॉर सीरियल कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनस यूज फॉर पैरेलल कम्युनिकेशन। इसी तरह से कंपैरेटिव कैपेसिटी की बात करें तो डाटा ट्रांसमिट वन कैरेक्टर एट वन टाइम, ठीक है, और पैरेलल में जैसे हमने बताया कि पूरा ब्लॉक का डेटा एक साथ जाएगा, फिर डिस्टेंस लिमिटेशन जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें लॉन्ग डिस्टेंस होगा सिंक्रोनस में और सिंक्रोनस में शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज होगा, सिंक्रोनाइजेशन मेथड स्टार्ट एंड स्टॉप बिट चाहिए होगी, और सिंक्रोनस में क्या क्लॉक पल्स चाहिए होती है, कंपैरेटिव स्पीड जो है लो स्पीड होगी इसकी और सिंक्रोनस की क्या होगी फास्ट होगी, कॉस्टिंग क्या है कि सिंपल एंड चीप होगा सिंक्रोनस, और सिंक्रोनस क्या होगा मच कॉन्स्टिट्यूटिव मैकेनिज्म, एक सिंक्रोनाइजेशन की मैकेनिज्म यूज होगी, ठीक है। बैंडविड्थ लॉस की बात करें तो यहाँ 20-30% ओवर द कैपेसिटी, और सिंक्रोनस में क्या है ओवर 5% कैपेसिटी, ठीक है। तो ये दोनों का एक तरह से कंपैरेटिव स्टडी है, और सिग्नल और सिस्टम की हम बेसिकली बात करें तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हमारे पास जो है वो डेटा ट्रांसमिशन के दो माध्यम थे, हमारे पास हम एनालॉग से भी डेटा को भेज सकते हैं और डिजिटल से भी डेटा को भेज सकते हैं, ठीक है। तो सिग्नल इज एन इलेक्ट्रॉनिक करंट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूज टू कन्वे डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो सिग्नल को ही हमें एक जगह से दूसरे जगह भेजने में हमारे पास मेथड्स होते हैं, ठीक है, ड्यू टू सुपर इम्पोज्ड ऑन अ कैरियर करंट और वेव बाई मीन्स ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के द्वारा हम अपने जो है वो मैसेज सिग्नल को किसी कैरियर पे सुपरइम्पोज करते हैं, एंड द सिग्नल मॉड्यूलेशन कैन बी डन आइदर इन द
टू मेन वेज, एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन, ठीक है, जो कि आप लोगों ने पीसी सब्जेक्ट में अच्छे से इन सारी चीजों को पढ़ा होगा, ठीक है। फिर डेटा क्या होता है ये भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। फिर सिग्नल क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, इन सारी बेसिक चीजों को हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस किया। और बेसिकली एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन की हम बात करें तो जो हमारा कैरियर होता था, जहां पर सिस्टम में हर टाइम इंस्टेंट पे हमें अपने सिग्नल की वैल्यू पता होती थी, उसको हम लोग एनालॉग माध्यम बोलते थे। और डिजिटल में क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी टाइम फ्रेम पे, पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे जो वैल्यू है एक टाइम पीरियड के लिए, उसकी वैल्यू क्या होगी, वही होती है, ठीक है। तो सिग्नल की बेसिकली हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बेसिस पे हम एनालॉग और डिजिटल इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं कि आपका एनालॉग सिग्नल जो है वो कॉन्टिन्यूसली, देखिए कि हर एक टाइम इंस्टेंट पे क्या है कि हमारे सिग्नल की वैल्यू क्या होता है, पता होती है। किसी भी पॉइंट को हम ले लें तो हम किसी भी पॉइंट पे सिग्नल की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और डिजिटल में देखिए कि पूरे एक टाइम फ्रेम में क्या होगा, टी बाई टू में हमारा सिग्नल की वैल्यू क्या है, ए के बराबर है, और टी बाई टू से टी में क्या है, माइनस ए के बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि पूरा हर टाइम इंस्टेंट पे हमको अलग अलग वैल्यू इसकी पता कर पाना मुश्किल रहता है, एक टाइम पीरियड में हमें इसकी वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसे सिस्टम को हम लोग डिजिटल सिस्टम बोलते हैं। फिर इसी में हम लोग जो है वो एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन के कंपैरिजन को देखें तो बहुत सारे पैरामीटर है जिनके भी आप पे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, नंबर ऑफ रेंज के बेसिस पे, टाइप ऑफ डेटा, वैल्यू ऑफ डेटा, वेव टाइप्स, टाइप ऑफ वैल्यू, मीडियम क्या होता है, डिवाइस कौन कौन सी है, सिक्योरिटी कौन सी यूज होती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इन सब चीजों को हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुका है, उसी को एक टेबल फॉर्मेट में यहाँ प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। बेसिकली अब हम कुछ डिफिनेशंस देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम काम करता है उससे रिलेटेड, जैसे चैनल कैपेसिटी क्या होती है। तो द चैनल कैपेसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन द डेटा कम्युनिकेशन, दैट इज हाउ फास्ट वी कैन सेंड द डेटा इन बिट्स पर सेकेंड, ठीक है, ओवर अ चैनल। तो बेसिकली हम अपने चैनल पे कितनी फास्टली बेसिकली डेटा को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है, कितना डेटा एक समय में एक साथ कितना फास्ट जो है ट्रांसमिशन उसका संभव हो सकता है, दैट इज गवर्न बाय द चैनल कैपेसिटी, ठीक है। फिर यहीं पे डेटा रेट्स की बात करते हैं कि उस चैनल पे जो हमारी कैपेसिटी है उस पे डेटा को ट्रांसमिट कराने के जो है स्पीड कितनी हो सकती है। तो द मैक्सिमम डेटा रेट लिमिट्स ओवर अ मीडियम इज डिसाइडेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स, बैंडविड्थ ऑफ द चैनल, सिग्नल लेवल, चैनल क्वालिटी, ठीक है। इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, ठीक है। टू थ्योरेटिकल फार्मूलाज वेयर डेवलप्ड टू कैलकुलेट द डेटा रेट्स बाय नाइक्विस्ट फॉर द नॉइसलेस चैनल and another by the Shannon for the noisy channel, ठीक है। तो noiseless के लिए basically हमारे पास Nyquist bit rate होता है and noisy channel के लिए हम लोग Shannon capacity का use करते हैं, ठीक है। Nyquist rate क्या होता है, Nyquist theorem states that to produce the original analog signal, the sample rate must be at least twice the highest frequency in the original signal। मान लीजिए हमारे पास F1, F2, F3 तीन frequencies हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो F3 क्या होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो Nyquist रेट क्या हो जाएगा, 2 × F3, मतलब जो मैक्सिमम वाली फ्रीक्वेंसी थी हमारे सैंपल में, ठीक है, जो हमारे पास सिग्नल का कलेक्शन था उसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो है वो सिग्नल है उससे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या निकल आएगा, Nyquist रेट। और सैंपलिंग रेट की यहीं पे बात करें तो सैंपलिंग रेट इज इनवर्स ऑफ द सैंपलिंग इंटरवल, and sampling rate or sampling frequency fs is equal to 1/TS, ठीक है। तो fs is equal to 2f max था और ts की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/fs, ठीक है। तो Nyquist rate is also called as Nyquist sample rate, ठीक है। तो noisy channel के लिए Nyquist bit का जो रेट है वो 2 × the Nyquist rate defines the theoretical maximum bit rate for a noiseless channel or ideal channel। The formula दिया हुआ है maximum bit rate का कि 2 × bandwidth into log l base 2, मतलब base 2 पे इसका log l का लें। अब
बैंडविथ क्या है इसमें, बीडब्ल्यू बैंडविथ ऑफ द चैनल है, एल क्या है नंबर ऑफ साइंड लेबल यूज टू रिप्रेजेंट द डेटा, ठीक है, कौन सा हम जो है वो साइन बिट्स कितनी यूज कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो बेसिकली हम एल से डिफाइन करते हैं, ठीक है। और यही नॉइजी चैनल के लिए साइन कैपेसिटी की हम बात करें तो एन आइडियल नॉइजलेस चैनल नेवर एग्जिस्ट द मैक्सिमम डेटा रेट फॉर एनी नॉइजी चैनल, और इसकी जो कैपेसिटी है सी इज इक्वल टू बैंडविड्थ इनटू लॉग वन प्लस S upon N. S upon N क्या है आपका सिग्नल टू नॉइज रेशियो, और किस पे लिया log base 2 पे, where C क्या है चैनल कैपेसिटी इन बिट्स पर सेकंड, BW क्या है बैंडविड्थ ऑफ द चैनल, एंड S by N क्या है सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ठीक है। द चैनल कैपेसिटी इज आल्सो कॉल्ड एज शैनन कैपेसिटी, द चैनल कैपेसिटी डू नॉट डिपेंड अपॉन द सिग्नल लेबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा, ठीक है। तो नॉइजी चैनल के लिए हम लोगों ने जैसा देखा कि हम लोग जो है शैनन कैपेसिटी यूज करते हैं, और नॉइजलेस चैनल के लिए बेसिकली हम लोग नाइक्विस्ट रेट का यूज करते हैं, ठीक है। और फिर यहीं पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे डेसिबल हो गया, क्या होता है जब हम पावर को लॉग बेस 10 में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और जैसे P2 अपॉन P1 है लॉग बेस 10 में लिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसी को जो है बेसिकली हम डीबी रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो द डेसिबल मेजर्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द टू सिग्नल आर टू आर वन सिग्नल एट टू डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। तो टू डिफरेंट पॉइंट पे सेम चैनल की जो हमारी पावर है उसका जब हम रेशियो लेते हैं, उसका लॉगरिथमिक बेस 10 में लेते हैं और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसी को बेसिकली हम लोग डीबी रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। और नॉइसलेस चैनल के लिए अगर हम नाइक्विस्ट रेट की बात करें तो क्या होता है, फॉर अ नॉइसलेस चैनल द नाइक्विस्ट बिट रेट फार्मूला डिफाइंस द थ्योरेटिकल मैक्सिमम बिट रेट। बिट रेट क्या है, बिट रेट बेसिकली 2 इनटू बैंडविड्थ इनटू लॉग बेस 2 है, ठीक है। लॉग बेस 2 किस पे, एल पे। एल क्या था आपका नंबर ऑफ साइन बिट्स जो उस पर्टिकुलर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके सामने क्वेश्चंस भी हैं इसके बेसिस पे कि नाइक्विस्ट रेट थ्योरम बिट रेट एग्री विद द इनिशिएटिव बिट रेट डिस्क्राइब्ड इन द बेस बैंड ट्रांसमिशन, ठीक है। तो बेसिकली इसके क्वेश्चन आंसर्स दोनों हैं, ये पीपीटी फॉर्मेट में आपके पास जो है वो यूराइज चैनल पर रहेंगे, आप वहां से इसको डाउनलोड करके क्वेश्चन को लगा भी सकते हैं, ठीक है। और बिटरेट कैलकुलेशन का एग्जांपल है कि कंसीडर अ नॉइजलेस चैनल विद अ बैंडविड्थ ऑफ द 3000 हर्ट्ज ट्रांसमिटिंग अ सिग्नल विद टू सिग्नल लेबल्स, द मैक्सिमम बिटरेट कैन बी कैलकुलेटेड है, तो यहाँ L की वैल्यू 2 है, ठीक है, बैंडविड्थ 3000 दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 BPS आपको